वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो मजीद और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हमजा। हमजा क्या करते हो? मैं सीए कर रहा हूँ। सीए कर रहे हो, ओके ठीक है। चलो जी सवाल करो। कर ले। ओके मुझे बता दो हमजा, आपसे मेरा सवाल है कि वो कौन सा मुल्क है जो सब ज्यादा चीजें बना के दूसरे मुल्क को देता है? पक्की गल क्लैपिंग कर लो, फिर क्लैपिंग करो, तालियां बजाओ, क्या सुना होगी? तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो, तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। मंगनी हुई है? नहीं नहीं, मंगनी अभी का। कोई किसी से प्यार करते हो? प्यार अभी तो नहीं किया, हो जाएगा। कोई कोई क्लास वालों नहीं थी कभी? कोई पसंद नहीं है? पसंद है लेकिन जस्ट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हैं, ओके। गाना बड़ी शिद्दत से गा रहे थे ना, तो मैंने सोचा पूछ लूँ किसके लिए गा रहे हो। चलो कोई गल नहीं, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए शुक्रिया। वेलकम जी। इन्होंने जो है वो गाना सुनाया तुम ही हो, मगर वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक ठाक, बहुत अच्छा। हाँ सबसे इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं, क्या थोड़ा आपसे भी करना है? प्लीज हमेशा मैं आपको बहुत मैनुअली थोड़ा बहुत बनता है। हाँ, माइक में लूँगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना और मैं आई हूँ अमाना मॉल में, जैसे कि हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत लेडी खड़ी हैं जिनसे हम करेंगे कुछ कॉमन सेंस के सवाल। तो चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अलीना। वाओ, मेरा नाम भी अलीना ही है, कोइंसिडेंट। अच्छा मैं आपसे करूंगा एक सवाल, तो आप मुझे इसका जवाब देंगे। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? बैचलर्स। वाओ, अच्छा आप भी शो करते हैं। चलें अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक जहाज में 500 ईंटें जा रही हैं जी, उसमें से एक ईंट गिर जाती है तो बताएं कितनी बचेंगी? कोई भी नहीं। एक जहाज में 500 ईंटें जा रही हैं, उसमें से एक गिर जाती है नीचे तो कितनी बचेंगी? जहाज में पॉइंट ये है, अगर जहाज टूट के गिरी है तो फिर कोई भी नहीं बचेगी, वरना वैसे तो 499 बचनी चाहिए। मगर और अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी हम ये हमारा सवाल का स्टार्टिंग है। नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं सवाल की स्टार्टिंग, बड़ा मजे का सवाल है, जरा ध्यान रखिएगा जहाज की तरफ। एक हाथी है, उसको आपने फ्रीजर में 3 स्टेप में रखना है, तो कैसे रखेंगे? फ्रीजर में 3 स्टेप में रखना है, ऐसे 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 करके 3 स्टेप। नहीं, आसान करता हूँ। हाथी भी फ्रीजर जितना बड़ा है और फ्रीजर भी हाथी जितना बड़ा है, तो कैसे रखेंगी? रखे ना, क्यों रखूं? मैंने नहीं रखना उसको। आप हार मानी? मैं क्यों हार मानूं? तो फिर बताएं। हाँ, उसको फ्रीजर में रखना है, कैसे रखेंगे? I don't know. मैं बताऊं? देखें, फर्स्ट स्टेप फ्रिज का दरवाजा खोलना है, सेकंड स्टेप हाथी को रखना है, थर्ड स्टेप दरवाजा बंद कर देना है। क्लैपिंग करें मेरे लिए। नेक्स्ट सवाल, ये अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी शुरुआत है। एक फ्रीजर में जेब्रा को 400 में रखना है, कैसे रखेंगे? वैसे ही जैसे भी रखा था। बताएं? फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे, उसको रखेंगे और फिर बंद कर देंगे। तीन, चौथा भी कब बोला? 4 स्टेप में रखना है आपने। पीछे ले लेंगे। नहीं, हार मानी? देखें, पहले जो आपने हाथी रखा था पहले तो उसको निकालेंगे, 4 स्टेप पूरे हो गए, 3 स्टेप आपने सही बताए। क्लैपिंग करें अपने लिए। ओके, अब जंगल में शेर की शादी हो रही है, जंगल में शेर की शादी हो रही है और सारे जंगल के जानवर उस शादी में गए सिवाय एक के, बताएं कौन? उसकी एक्स। नहीं, उसकी पहली बीवी। नहीं, एक बस शादी में नहीं गया, बाकी सारे शादी में गए। उसकी मर्जी। नहीं, वो इनवाइटेड नहीं थी। नहीं, वो लेजी थी। मैं बताऊं?
वो लेजी थी नहीं सोचे जरा फोकस कीजिएगा सर अच्छा एक ने एक शेर नहीं गया कोई एक नहीं गया जंगल में शेर की शादी है सारे जंगल वाले शादी पे गए सिवाय एक के शेर उसकी तो खुद की शादी है oh, no! वो जो नहीं जाएगा तो शादी कैसे होगी वो जाएगा तो नहीं ना वो तो होस्ट है उसकी तो हो रही है नहीं वो जाएगा मैं बताऊं देखिए जिस ज़ेब्रा को आपने फ्रिज में बंद किया था ना वो नहीं जाएगा कैसे गया हाथी को तो हमने निकाल दिया था ना ओके आगे चलते हैं नहीं आखिरी अभी तो जहाज याद है ना हाँ अब उसी जंगल में खून खार तालाब है जिसमें आदमखोर जानवर है और आपने उसमें स्विमिंग करके उस तरफ जाना है कैसे जाएंगे शिप पे नहीं आपके पास कुछ भी नहीं आप स्विमिंग करके जाएंगे स्विमिंग शिप तो नहीं करती कहाँ पे है दोबारा बोलो उसी जंगल में एक बड़ा खून खार तालाब है जिसमें बड़े ड्रोने जानवर हैं हमारे जैसे सी एस ओर वगैरह ये वो बड़े खून खार आदमखोर जानवर आपने उसमें स्विमिंग करके जाना है तो कैसे जाएंगे जरूरी है अगर नहीं जाएंगे सवाल आगे कैसे जाएगा तो ना जाए सवाल आगे मैं नहीं जाऊंगी देखिए लीना मैं भी आपकी तरह एक हम भी मुसाफिर हैं हमने जाना तो हो रहा ही है तो अब आप बताएं कि कैसे जाएगा वो लोग तो शादी पे गए हुए थे सारे ओके वो दो जो आदमपुर अभी तालाब में हैं वो तो सारे शादी पे गए हुए थे गुड क्लैपिंग करें अपने लिए लेकिन आखिरी सवाल हाँ तो कभी क्लैपिंग किया आपने अब आखिरी सवाल ये है बड़ा गौर कीजिएगा सवाल पे वो आदमी स्विमिंग आप स्विमिंग करके बाहर निकले और उसी टाइम गिर के मर गए कैसे नहीं, आप नहीं वो आदमी कौन सा आदमी जो स्विमिंग करके गया है वो मर गया नहीं चारे ना करें नहीं ये मेरे सवाल मेरी टीम में निकालते क्यों ना करें बताएं दोबारा से सवाल स्विमिंग करके बाहर गया और मर गया और टीम के लिए क्लैपिंग मैं करता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप भी बहुत अच्छा काम करने चले थैंक यू सो मच क्या सुनाएंगे हमें मुझे कुछ नहीं आता आपको मिलता है लाहौर न्यूज़ की तरफ से एक बड़ा खूबसूरत गिफ्ट और क्लैपिंग हो जाए लाहौर न्यूज के लिए और थैंक यू सो मच वाओ थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत मजा आया आज अब मुझे पता चला आप लोग कितना एंजॉय करते होंगे ना क्योंकि मैंने तो आज बहुत एंजॉय किया भाई पार्टिसिपेट करके मुझे तो मजा आया फाइनल आई अर्नड इट लाहौर न्यूज का गिफ्ट आज मुझे भी जो है वो मिल गया है बहुत मजा आया बहुत अच्छे होस्ट थे ये मगर मुझसे अच्छे नहीं सामने का आपका ना जन्नत जन्नत क्या करती हो मैं स्टडी करती हूँ क्या पढ़ती हो पंजाब कॉलेज आईकॉम पार्ट वन में हूँ चलो सवाल करूँ करें मुझे बता दो कि वो क्या चीज़ है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको जाके फेंक देते हैं और जब जरूरत नहीं होती तो उसको उठा कर ले आते हैं नहीं पता कोशिश करो जूता जरूरत नहीं पड़ती हम फेंक देते हैं नहीं जरूरत जब पड़ती है तब फेंक देते हैं नहीं पता क्या सुनाओगी सॉन्ग हाँ हंसी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए हाँ हंसी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमां मेरी जमीं बन गए हाँ हम बदलने लगे गिरने संवरने लगे जब से है जाना तुम्हें तेरी ओर चलने लगे बस ओके जी देखती हूँ थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू
جی بہت پیاری آواز تھی ان کی, وہ خود بھی اچھی تھی, کافی اسٹائلش تھی, مزہ آیا. جی انہوں نے ہمیں ایک سانگ بھی سنایا جو کہ بہت نائس تھا, کسی اور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام رضوانہ اعجاز. آپ کا نام؟ محمد عمر. آپ کا نام؟ شہید. کون سی کلاس؟ ٹو. چلے جی مجھے بتائیں سب سے زیادہ لوگ کس پہ سواری کرتے ہیں؟ کس پہ سواری کرتے ہیں سب سے زیادہ لوگ؟ بس پہ. سنائیں گے. چوچو چوچو چاچا گھڑی میں چوہا ناچا, گھڑی نے ایک بجایا, چوہا نیچے آیا, بلی نے مارا پنجا, چوہا ہو گیا کنجا. ابو لائے موٹر کار, اس کے نیچے پہیے چار, چابی سے وہ چلتی ہے, پوں 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 کرتی ہے, آگے جائے پیچھے جائے, دائیں بائیں وہ مر جائے. آلو میاں کا جا لیتے, سبزی کی ٹوکلی میں چو لیتے, بیگن ٹانگ والی لو لیتے, گاجر نے پیال کی ہاتھ لیتے. اور آپ؟ سوجی کا حلوہ. بیٹا سامنے دیکھو. سوجی کو پہلے ہلکی آنچ پہ براؤن کرنا, پھر اس میں گھی ڈالنا, گھی ڈال کے پھر اس کو براؤن کرنا جب تک وہ ڈارک براؤن نہیں ہو سکتی. اس میں چینی ایڈ کرنی ہے, پھر اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے, پانی کو گرم کرنا, اس میں ایڈ کر دینا ہے, اور اس میں ساتھ بادام, گری, کھوپرا وغیرہ سب کچھ ڈال کے اس کو اچھی طرح پکا لینا. اور لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو. بس ان کو ایک ہی ملے گا. جی انہوں نے جو ہے وہ آپ کو حلوے کی ریسیپی بتائی. میں ٹپ دوں گی, اگر آپ پانی کے بجائے اس میں دودھ ایڈ کریں گے تو جو حلوے کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ڈیلیشیس ہوگا, بہت سافٹ سافٹ سا ہوگا. ضرور ٹرائی کرنا. جی ناظرین پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا, آپ سے اجازت لینی پڑے گی. آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم کیسے گزر جاتا ہے سچ میں بتاؤں نہیں پتہ چلتا. اتنا مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اتنا ہنسی آتی ہے, نہیں کچھ سمجھ آتا کہ کیا کب کب کہاں بھاگ گیا یہ ٹائم. خیر ویسے بھی ٹائم سوچتے ہیں نا کیسے بھاگتا ہے, ٹائم ایسے ایسے بھاگتا ہے. چلے جی آپ کے آج کے دو سوال. ہیومن باڈی کا وہ کون سا پارٹ ہے جو آپ کے مرنے تک گرو نہیں کرتا, مطلب کہ جب آپ پیدا ہوتے ہو اس کا جو اسپیسیفک سائز ہوتا ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے, تو وہ ہے یہ آپ کی آنکھ کا کورنیا, ٹھیک ہے, یہ نہیں بڑا ہوتا. اور دوسرا آپ کا جو سوال ہے وہ کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ چیزیں بناتا ہے اور دوسرے ملکوں کو بھیجتا ہے, تو وہ ہے چائنا, ٹھیک ہے. اب آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. او او یاد آ گیا آج کا ٹیلنٹ آف دا ڈے. تو جی آج کا جو ٹیلنٹ آف دا ڈے ہے وہ آنٹی تھیں جنہوں نے گانا سنایا تھا, بڑا لمبا سا, بڑا پیارا سا. کیا گانا تھا وہ؟ آہستہ آہستہ کر کے اس میں کوئی ورڈ تھا, پاکستانی سانگ تھا, آل سانگ تھا, میں نے فرسٹ ٹائم سنا تھا اس لیے مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ, لیکن بہت اچھا گانا تھا. شی واز ریئل ٹیلنٹ, وہ بہت ٹیلنٹڈ تھی, تو میرے نزدیک وہ آج کا ٹیلنٹ آف دا ڈے تھی. مگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ہو سکتا ہے تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ, آپ کو پتا ہے, بتا سکتے ہیں, بھوجو تو جیتو کے پیج پہ بتا سکتے ہیں, آئی ایم الینا ہارون فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, میرے پرسنل پیج پہ بھی بتا سکتے ہیں. آپ ہم سے ضرور شیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا فیورٹ پروگرام تھرسڈے ٹو سنڈے شام کو 7 بجے دیکھنا ہے, جو کہ اگلی صبح 5 بجے اور 11 بجے بھی ریپیٹ ہوگا, تو ضرور دیکھنا ہے. مجھے اپنی ہوسٹ الینا ہارون کو اجازت دیں. اللہ حافظ.